हेलो एवरीवन, आज 16 जुलाई और आप ऑडिट का पेपर देके आ रहे होंगे। दो पेपर्स और बचे हुए हैं, नेक्स्ट आपका 18 जुलाई को पेपर 7 यानी ईआईएसएसएम। अब ईआईएसएसएम जब आप पढ़ने बैठोगे, आज बैठोगे, तो उस समय या तो आपके पास खुद का प्लान होगा, अगर वो है तो बहुत बढ़िया है, ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया है, ये वीडियो मत देखो। इनकेस आपके पास एक रिविजन प्लान नहीं है कि कैसे हम 1.5 दिन में सारा सिलेबस को रैप अप करें या मैक्सिमम सिलेबस को रैप अप करें, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। मैं एक बेंचमार्क टाइम टेबल आपके लिए दे दूंगा, तो थोड़ा सा आपको उस पर बेनिफिट मिल सकता है, राइट? अब सबसे पहला गलती जो आपको नहीं करना है वो है कि पहले आप पूरा ईआईएस करो या पूरा एसएम करो, क्योंकि दोनों का इक्वल वेटेज है 50-50। पहले अगर खाली ईआईएस किया तो लास्ट वाला 50 मार्क्स एसएम पूरा निग्लेक्ट हो जाएगा या वाइस वर्सा। तो जो भी आप सेकेंड में करोगे 50 मार्क्स वो निग्लेक्ट हो जाएगा। तो आइडियली करेंगे क्या, हम लोग मिक्स एंड मैच करके करेंगे ताकि एक ऑप्टिमम कवरेज होता चला जाए, राइट? बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द चैप्टर, मैंने एक यहाँ पे डिजायर्ड टाइम टू बी गिवन बना के रखा हुआ है। जैसे आप देखो चैप्टर 1 ईआईएस है, उसमें फ्लो चार्ट वाला पोर्शन आता है, वो छोड़ के आप सारा थियोरिटिकल पोर्शन 2.5 घंटे में आइडियली कवर कर सकते हो, और फ्लोचार्ट वाला 1 आवर उसको दे दो, एक बार देख लो फ्लोचार्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं अलग अलग टाइप के। पहले फॉर्मेट देख लो, सिंटैक्स देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो, और 2-3 क्वेश्चन कर लो, वो काफी है, राइट? क्वेश्चन जो आपका मार्क किया हुआ होगा पहले का वही। फिर 2 इजी है, 5 इजी है तो कम टाइम। 3 और 4 इंपॉर्टेंट होता है एंड बड़ा भी है, इसलिए उसको ज्यादा टाइम देना है आपको, राइट? टाइम देना। जैसे चैप्टर 3 का जो कंट्रोल्स वाला पोर्शन है, जो सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर 3 है, उससे क्वेश्चंस आती हैं, एंड इसलिए उसको हमने 2.5 घंटे दिया है, सिर्फ वो कंट्रोल्स वाले पोर्शन को, उसको अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर 4 में दोनों ही पार्ट जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाले हो गए, ई कॉमर्स एम कॉमर्स हो गए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूरा चैप्टर 4 ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए उसको भी 3.5 आवर्स देना है मिला के, राइट? अब एसएम में अगर हम आए तो एसएम में चैप्टर्स बड़े हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, सॉरी, बट जो हर एक चैप्टर का कंटेंट है वो कम हो जाता है, लेंथ कम हो जाता है। सिर्फ एक चैप्टर है जो थोड़ा बड़ा होता है चैप्टर एसएम में, दैट इज चैप्टर 2। ये वाला जो चैप्टर है जिसको हमने 2.5 आवर्स एलोकेट किया, बस एक यही है जो बड़ा है, बाकी सब ऑलमोस्ट 16-20 पेजेस का चैप्टर चलेगा, छोटा छोटा है सब। तो ये आपको लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा, रेफरेंस के लिए ले लेना यहां से। अब चीज ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है देखने को, वो आपको इधर देखना है, तीनों दिन को हम लोग प्लान कैसे करें। तीनों दिन को इस हिसाब से प्लान करना है, आप अभी बैठोगे पढ़ने के लिए, ऑडिट देकर आए हो, पढ़ना है, एक फ्लो बनेगा, तो इसलिए एक ईजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर 4 को डाल दिया। वो ईजी होता है क्योंकि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग समझ आता है ये सब चीज, तो ये आप पहले कर लोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एसएम का 2 चैप्टर कर लेना। तो ईआईएस भी 1 चैप्टर हो गया, एसएम के 2 चैप्टर हो गए। सेकेंड डे में जब आप सुबह पहले शुरू करने वाले हो, अपना डे शुरू करोगे, स्टार्ट विद चैप्टर 3 ऑफ ईआईएस। होगा क्या, इससे आपके जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ईआईएस के, वो दोनों ही पहले खत्म हो चुके होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा थोड़ा सा, और फिर आपको डे प्रोसीड करने में आसानी होगी, राइट? एसएम का फिर 2 चैप्टर कर लिया, उसके बाद ईआईएस का चैप्टर 2, एक सिंपल सा चैप्टर है वो किया, फिर एसएम का 1 चैप्टर 6 कर लो, फिर ईआईएस में एक जो चैप्टर 1 बचा है वो कर लो, एसएम का 2 चैप्टर कर लो, और लास्ट डे जो है वहां पे लेके जाना है 1 चैप्टर ईआईएस और 1 ये चैप्टर 2 है, ये 1 चैप्टर नहीं, ये चैप्टर 2 थोड़ा सा बड़ा, जो बड़ा वाला चैप्टर है ये वो है, राइट? तो इस हिसाब से आप अपने डे को स्प्रेड आउट कर सकते हो। अगर आपको कुछ अमंगस्ट द डे या इन बिटवीन कुछ चेंज करना है जरूर करो, बट ब्रॉडली इस टाइप का ही रखना, ज्यादा कुछ 3rd डे में मत लेके चले जाना, अदरवाइज आपको टेंशन होने लगेगा। तो जितना जल्दी आप कवर कर सको उतना कवर करने में जाना। एक चीज और याद रखना कि नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पहले पढ़ा हुआ है वही आपको रिवाइज करते हुए चलना है, ये 1.5 दिन रिविजन का टाइम है, उसी को रिवाइज करना है। इनकेस मान लो कोई चैप्टर है जो एकदम नहीं पढ़ा हुआ, उसको छोड़ना नहीं है, बात आपका भी बिल्कुल सही है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बस वो देख लिया एक बार, उसको रीड कर लिया,
और उसमें भी जो अमेंडमेंट वाले पोर्शंस है, जो नए इंसर्टेड है या न्यूली एडेड पोर्शंस है, उसको देख लिया, राइट। पूरा तो पूरा चैप्टर करना पॉसिबल नहीं होगा अगर वो आपका पहले किया हुआ नहीं है, तो वो एक चैप्टर दो चैप्टर के पीछे पूरा सिलेबस को दाव पे मत लगा देना, राइट। तो इस हिसाब का बस आपको फॉलो करना है। दूसरा, एक चैप्टर के पीछे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। करना कैसे है, हेड पॉइंट देखा, अंदर का कुछ कीवर्ड देखा, कीप योर पेजेस मूविंग फास्ट। बहुत ज्यादा एक चैप्टर को लेके बैठ गया तो बैठे रह जाओगे, तो इसलिए फास्ट मूविंग पेजेस रखना। और थर्ड डे सुबह जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे, एक चैप्टर ईएएस एक एसएम, वो करके बस एग्जाम देके आ जाना। अच्छा जाएगा एग्जाम, कोई टेंशन का बात बिल्कुल नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। बस एग्जाम देने से पहले जो होता क्या है, एग्जाम देने से पहले हम लोग कर लेते हैं आउट ऑफ 13 चैप्टर्स, 8+5 13 चैप्टर्स में मान लो 11 कर लिया, कोई एक दो बच गए, तो हम लोग हमारा सारा फोकस चले जाएगा उन एक दो पर जो हमने नहीं किया। नेचुरल बात है टेंशन होने लगेगा। करना क्या है, आपने 11 किया है, 11 किया है वो बहुत अच्छा नंबर होता है। फोकस ऑन व्हाट यू डन, नॉट ऑन व्हाट यू लेफ्ट, राइट। अगर कुछ छूट जाए तो मैं बोल रहा हूं, करेक्ट। तो इस हिसाब से आपको चलना है, सारा कुछ कवर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं देना। मान लो एक चैप्टर में आप कोई एक टॉपिक कर रहे हो जो आपको नहीं समझ आ रहा है या बहुत टाइम ले रहा है, एक बार रीड करो और छोड़ दो उसको, रीड करके आगे बढ़ो, एक दो टॉपिक पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, राइट। तो इस प्रोसेस से आप करोगे, आपका एकदम बहुत अच्छे से कवर होगा, बिल्कुल टेंशन लेने का बात नहीं है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से दोस्त।